बस ये एक बात थी, एक छोटी सी बात जो मुझे कहनी थी। अब जब न कुछ बचा है न कुछ रहा है तो क्या कहूं। वैसे भी कंगाल आदमी क्या कहे और क्या करे। पिताजी, मैं नौकरी करूंगा। कल से ही काम की तलाश में लग जाऊंगा। हाँ बेटा, नेक ख्याल है तुम्हारा। दुनिया इतनी बड़ी है, कोई ना कोई काम तो होगा मेरे लायक। हाँ बेटा, इतनी बड़ी दुनिया है, फिर भी देखो ना कहां आकर खड़े हो गए हम, वो भी इस उम्र में। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, अभी मैं हूं। मम्मी, दिस इज अमेजिंग, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। ये देखो, ये सोप्स इंटरनेशनल से चिट्ठी है, और ये भारत होटल से, एंड दिस इज फ्रॉम ब्लू कॉस्मेटिक्स। ये हमें 5 लाख के कॉस्मेटिक्स देने को तैयार है, और ये, दिस इज द रियल बिग वन, ये ग्रैंड डायमंड से है, ये हमें 10 लाख के डायमंड्स देंगे। मम्मी, दिस इज सो अमेजिंग। एक सेकंड वसुंधरा, एक सेकंड, मैं जरा हिसाब लगा रहा हूँ। मैडम, आपको पता है अब तक हमारी कितनी कमाई हुई है? कितना? सारे स्पॉन्सरशिप्स टोटल करो, कैश एंड काइंड, एंड वी हैव 13 crores, 13 करोड़ रुपए। 13 crores? That's brilliant. खोदा पहाड़ और निकली सोने की खान। नहीं, अभी खान खोदना बाकी है। वसुंधरा, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, होर्डिंग एक्सेट्रा, इन सब पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमारे कम से कम 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 8 करोड़ रुपए बचेंगे। 4 करोड़ मेरे और 4 तुम्हारे, और यू से पार्टनर, हम दोनों का साथ होगा तो हम बहुत पैसे बना सकते हैं। Well, let's see. We'll cross that bridge when we come to it, yeah? Oh, really? आप इस पर साइन कर दीजिए, ठीक से देख लीजिए, इसमें यही लिखा है कि आप अपना कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, और आपके बेटे को किसी ने नहीं मारा, यही सब कुछ। हाँ मालिक साहब, आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। मैम, वैसे अभी अभी अस्पताल के रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ टाके लगे हैं, बट इज आउट ऑफ डेंजर। इनफैक्ट अब वो होश में भी आ गया, आप चाहें तो उससे जाके मिल सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, चले। थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे और किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। इट्स ओके। रियली, तुमने तो दोस्त से बढ़कर काम किया है। कम ऑन रिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड नाउ प्लीज डोंट एम्बैरस मी, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आप हमारा कैसे दे रहे हैं ना? जस्ट वन सेकंड। कोई टेप नहीं है, क्योंकि कोई कोकेन ही नहीं। मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? आपके जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करते। लर्न हाउ टू ट्रस्ट योर किड्स,
बुरे ही सही है तो आपने मैम मंजू अजीत ने मुझे प्रॉमिस किया है कि पुलिस कमिश्नर इस केस में हमें पूरा सपोर्ट देंगे सो डोंट वरी रिया शाम तक हमारे साथ होगी सच ये तो बहुत ही अच्छी खबर है मनु थैंक्स अ लॉट डार्लिंग मनु ने अजीत कुमार से बात की है उसने फोन पे पुलिस कमिश्नर को पूरा केस समझा दिया है रिया का केस एकदम सुलझ जाएगा आज शाम तक मनु का कहना है रिया घर आ जाएगी सच या और मनु के लॉयर ने ना पिटीशन भी तैयार कर दी है एवरीथिंग विल बी ओके रिया विल बी होम बाय इवनिंग हां मैं देखती हूं बताती पहले मालिक से तो मिल लीजिए मालिक मामा से तो तुम मिल चुके हो ये मेरी मंजू आंटी नमस्ते आंटी आओ ना आओ हाँ आओ ना थैंक यू तू तू कैसे है बेटा मामा मालिक ने आके मुझे रिहा कराया मालिक बेटा मेरी बच्ची को छुड़ाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम नहीं जानते हमारे भी बड़ा उपकार किया है तुमने जी नहीं आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है ये तो मेरा फर्ज था अब मैं चलता हूँ बेटा अभी अभी आए हो और वैसे भी खाना खाने का टाइम तो हो ही गया है तो खाना खा के जाओ ना जी नहीं फिर कभी सही प्लीज आई रियली हैव टू गो बेटा रिया के घर आने से हमें इतनी खुशी हुई है क्या हमारी खुशी में शामिल नहीं होगे तुम ऑलराइट ठीक है एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है अभी आप बाद में नहीं जा सकती बेटा बहुत ही जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा बट मैं यूं गई और यूं आ जाऊंगी अच्छा ख्याल रखना हाँ ठीक है मंजू चल आओ बेटा आओ और सोने की लालच में सैम गुफा में घुसता चला गया घुसता चला गया घुसता चला गया और आखिर में जाके देखा वहां तो सोना था ही नहीं पीछे मुड़ के देखा तो उसके सारे दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था वो गुफा में अकेला था अकेला अकेला लालच की थी ना उसने अब वो क्या करता उसने सोचा कि मैं अपने जादुई पावर्स का इस्तेमाल करूं जिन को बुलाऊं और उसके चक्कर में इस वक्त कौन आ गया तुम लेटो मैं देखता हूं उफ, सच्ची लेट हो गए अभी तक आए नहीं पता नहीं कहाँ रह गए दोनों नीलू और पिक्सी के आने का वक्त तो हो गया मुझे लगता है अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ गई होती नीलू इज नेवर लेट विद्या वो आएंगी जरूर आएंगी रेवा तुम भूल रही हो वो मंजू की भी फ्रेंड्स हैं तुम मंजू की दोस्त नहीं हो अरे मैं तो सबकी दोस्त हूँ तुम्हारी मंजू की सबकी दे दिया हाय पिक्सी हाय बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी अभी बात कर रहे थे कहाँ रह गए तुम लोग हाय हाय हेलो क्या लोगी कॉफी चाय नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे भी कुछ नहीं थैंक्स अच्छा गाइस आई नो इट्स नॉट फेयर लेकिन मुझे ऑफिस जाना है डोंट हैव अ चॉइस सो प्लीज जो कुछ हम जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं ठीक है दैट्स ओके विद मी मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे किटी से निकाल दिया गया और मैंने अपनी अलग किटी बना ली तो क्या तुम दोनों मेरी किटी ज्वाइन करोगी होटल का खाना खा खा के घर के खाने का स्वाद ही भूल गया हूँ बट
Lovely food. Thanks. Should I make you a cup of coffee? No, not really. मुझे चलना चाहिए. ऐसे थोड़ी होता है. खाए पिए खिसके. दो मिनट तो बैठो. नहीं, दरअसल क्लब में काफी काम है. फिर कम. Minutes, please. I'll just come, okay? आप भी तो कुछ खाइए. ना ना ना, बाद में खा लेंगे हम लोग. सब कुछ ठीक से रख लिया ना? पेंसिल शार्पनर वगैरह मैंने सब रख दिए. सब कुछ. और ये टिफिन पैक कर दिया है, पूरा खा लेना, कुछ वापस नहीं लेकर आना. ओके. ठीक से अपना एग्जाम देना. ऑल द बेस्ट. कोई क्वेश्चन भूलना मत. ओके, थैंक यू. मुझे फोन कर ले. बाय बाय बाय. I'm so glad that you're back. मैंने तुम्हें बहुत मिस किया. मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया. अच्छा ये बताओ, पिक्सी कैसी है? पिक्सी इज फाइन. बहुत खुश है. शादी कर रही है. क्या? किससे? उसके कलीग है रवि सिन्हा, उसके साथ. ये तो बहुत अच्छी खबर है. क्या हुआ गौरव? तुम? कुछ नहीं पिया. तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? I'm asking you to marry me. Will you marry me? ये अचानक तुम्हें? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. Will you marry me? एनीवे मैं निकलती हूँ. पिक्सी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया. मैंने इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती. मुझे सिर्फ इतना पता है कि किटी को स्प्लिट नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल. एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहती हूँ. लेकिन ये आइडिया तुम्हारी मंजू ने सजेस्ट किया था, और फिर सबको अपनी अपनी किटी बनाने का पूरा हक है. मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी किटी ज्वाइन करोगी या नहीं. एक मिनट रेवा, मंजू का आइडिया ये नहीं था. मंजू ने सिर्फ तुम्हें किटी से निकालने की बात की थी. किटी तोड़ने की बात नहीं की थी उसने. That's all she said. उस वक्त जो भी बात हुई हो, the point is कि अगर रेवा को किटी से निकाला गया तो she has a right to start her own किटी. उसे कौन रोक सकता है? ये बात तो गलत हुई ना. इसका मतलब जब भी किटी में प्रॉब्लम होंगी we'll split. Exactly. ये तो वही बात हो गई कि एक ही आंगन में अलग अलग चूल्हे जलने लगे. कैसा लगेगा यार? कमाल है. रेवा को किटी से निकालना तुम्हें मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं कि वो अपनी किटी बनाए. हद करती हो. हद रेवा कर रही है विद्या. किटी में फूट डाल के. किसी भी हालत में किटी नहीं टूटनी चाहिए. एक मिनट एक मिनट. मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, मेरे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसके साथ तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मंजू की हर बात से सहमत हो तुम लोग. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं देखना चाहता. और वैसे भी ये आइडिया मंजू का था किटी में फूट डालने का. मैं तो सिर्फ मजबूर की जा रही हूं, वरना मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? रेवा डोंट ओवर रिएक्ट यार. किटी का एक अपना डिसिप्लिन होता है जो तुमने तोड़ा है. इसकी वजह से किटी क्यों टूटे? यही तो हमारी ताकत है. एग्जैक्टली. देखो मेरे लिए एक ही किटी है, मंजू की किटी, और मैं उसका हिस्सा ही बनकर रहना चाहती हूँ. मंजू, पिक्सी, नीलू, तुम्हारे लिए. लेकिन क्यों? To say thanks. लोगे नहीं?
नहीं मालिक प्लीज इसे रख लो, ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत मायने रखता है। मैंने अपनी पहली बचत से शिमला में मैंने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके इसे लिया था और आज तक संभाल के रखा, और अब तुम इसे संभाल के रखोगे, रखोगे ना? थैंक्स लॉकेट के लिए भी और खाने के लिए भी। आंटी वाकई खाना बहुत ही टेस्टी था। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाय। कम अगेन। मुझे नहीं पता था आप दोनों यहाँ आने वाली हैं। वैसे क्या डिस्कशन चल रही है कि रेवा ने मेरा सॉलिटेयर चुराया है कि नहीं? हा? मैंने किसी का कोई सॉलिटेयर नहीं चुराया है। कितनी बार अपनी सफाई देनी होगी, कितनी बार कहना होगा आई हैव नॉट स्टोलन एनी डैम रिंग। रेवा, चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती, और ना ही तुम निर्दोष। वैसे सब तुम्हें जानती है, जब तुमने अपने पति को नहीं बख्शा तो अपनी फ्रेंड्स को क्यों बख्शोगी? इतनी गिरी हुई हो तुम। शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। अगर मैं अपना मुंह खोलना चाहूं ना, मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। मुझे तुम्हारी रिंग चुराने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, सब जानते हैं तुम्हें पैसे की तंगी है, और डायमंड्स पहनने का तो तुम्हें पहले से ही शौक है। और जब मनु ने मुझे डायमंड दिया ना, तो तुम्हारे सीने पे सांप लौट गए होंगे। तुम चाहती होगी कि तुम्हें भी ऐसा कुछ मिले, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई हो ऐसा देने वाला, है ना? दिस इज रिडिकुलस। रेवा स्टॉप। मंजू बस करो, अपनी जबान को लगाम दो। डोंट क्रॉस द लेवल्स ऑफ डिसेंसी। क्यों अपने आप को नीचा करती हो? एक्सक्यूज मी गाइस, मैं जेन्युइनली मुझे ऑफिस पहुंचना है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मैं बाद में मिलती हूँ तुम लोगों को, ओके? सी यू गाइस, बाय, टेक केयर। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? वैसे जाते जाते ये बता दो कि आप लोग आज यहाँ किस लिए आए थे? कोई खास काम था क्या? फैसला लेने। किस चीज का फैसला? कि अगर मुझे किटी से निकाल दिया गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो फिर क्या फैसला हुआ है? कि मैं अपनी अलग किटी बनाऊंगी। तुम्हारी अपनी किटी? और तुम्हारी इस किटी में कौन कौन होगा? विद्या, नीलू, क्या तुम दोनों रेवा की किटी का हिस्सा बनने वाली हो? हम लोग ऐसे हवा में किले क्यों बना रहे? एटलीस्ट जब तक मेरी किटी नहीं हो जाती तब तक तो ये डिस्कशन मत करो तुम लोग। Let my kitty happen, yeah? I agree. तुमने तो सब तैयारी भी शुरू कर ली होगी ना? You're right, नीलू। तुम्हारी किटी में मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और बाकी का जो फैसला होगा तुम्हारी किटी के बाद ही होगा। Thanks. मैं भी चलती हूँ। And by the way, मंजू, तुम्हारा यहाँ आने का कोई और इरादा था या यही तांग चांग करने आई थी? नहीं रेवा, मैं यूएसए से क्या कॉस्मेटिक्स लाई हूँ वो देखने आई थी। Now relax. Right.